फ्रेंड एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर्स के गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, यानी कि ये कस्टमर्स के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, बैंकर्स को क्या सुविधाएं प्रदान करनी है, इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देशानुसार उसने इस सबों को एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एडॉप्ट करने के लिए बैंकों को कहा है। RBI स्टैंडर्डाइज बैंक लॉकर रूल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टैंडर्डाइज द रूल्स फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग बैंक लॉकर्स अक्रॉस बैंक्स इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन बाई ए 2-judge बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी। RBI हैज आस्क्ड ऑल बैंक बोर्ड टू फ्रेम ए एग्रीमेंट फॉर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स बेस्ड ऑन ए मॉडल लॉकर एग्रीमेंट टू बी फ्रेम्ड बाई इंडियन बैंक एसोसिएशन हैव टाइम टू कंप्लाई विद द न्यू रो नॉर्म्स टिल January 1, 2022 एंड हैव टू रिन्यू देयर लॉकर एग्रीमेंट्स विद एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर्स बाई January 2023। एक साल का वक्त दिया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे भी एग्रीमेंट चेंज कराया जाए। बैंक्स हैव बीन अलाउड टू ऑब्टेन ए टर्म डिपॉजिट फ्रॉम द लॉकर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कवरिंग 3 years रेंट एंड द चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर इन केस ऑफ सच इवेंचुअली टू इंश्योर लॉकर्स आर यूज्ड एंड रेंट पेड ऑन टाइम। बैंक्स हाउएवर शैल नॉट इंसिस्ट ऑन सच टर्म डिपॉजिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉकर होल्डर्स और दोज हू हैव सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेटिव अकाउंट। इन सबको मद्देनजर रखे हुए RBI रिवाइजेस लॉकर रूल्स, बैंक लाइबिलिटी लिमिटेड टू 100 times ऑफ द एनुअल रेंट। द रिजर्व बैंक ऑन वेडनेसडे केम आउट फॉर विद द रिवाइज गाइडलाइंस फॉर द हायरिंग ऑफ लॉकर्स अंडर विच द लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स विल बी लिमिटेड टू 100 times ऑफ इट्स एनुअल रेंट इन केस ऑफ फायर, थेफ्ट, बिल्डिंग कोलैप्स और फ्रॉड्स बाई बैंक एम्प्लाइज। As per the revised guidelines which shall come into effect from January 22, banks will be required to incorporate a clause in the locker agreement prohibiting the hirer from keeping anything illegal or hazardous in the lockers. The RBI said it has reviewed the deposit locker safe custody article facility provided by the banks after taking into consideration various developments in the area of banking and technology, nature of customer grievances and also the feedback received from the Indian Bank Association. The review also takes into account the principle of enumerated by the Supreme Court in Amitabh Das Gupta versus United Bank of India case. The revised instructions will be applicable to both new and existing safe deposit lockers and the safe custody of article facility with the banks. Friends, ये जो नियम revise किया गया है आपको RBI की तरफ से, ये existing customers को और new customers को दोनों को follow करना होगा और bank एक standard for article of agreement तैयार करेगी जिसको कि January 22 तक को से नए customer को देना पड़ेगा और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे ये न्यू एग्रीमेंट पे साइन जनवरी 23 तक, यानी कि एक वक्त साल का वक्त दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, कुछ मामलों में ये रिवाइज करना ज़रूरी था क्योंकि कस्टमर्स को कभी कभी असुविधा का सामना करना पड़ता था, इसलिए इन तरह का एक क्लियर कट गाइडलाइंस होने से, एग्रीमेंट साइन होने से ये रहेगा कि ग्राहक को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। Thank you friends for this. Thank you.